दिस इज रिया और आज की लेटेस्ट न्यूज जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म फाइटर के साथ। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। मार्शल आर्ट्स का मतलब युद्ध की कला से है और ये लड़ाई की से जो जुड़ा है 15वीं शताब्दी का यूरोपीय शब्द है जिसके आज ऐतिहासिक यूरोपीय मार्शल आर्ट्स के रूप में जाना जाता है। मार्शल आर्ट के एक कलाकार को मार्शल आर्ट कलाकार के रूप में संदर्भित किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि किस हम मार्शल आर्ट्स की बात क्यों कर रहे हैं, तो बता दें कि ऋतिक रोशन ने बीते हफ्ते ही अपकमिंग फिल्म विक्रम वेधा की शूटिंग के लिए मार्शल आर्ट्स सीखे थे और इस फिल्म में अभिनेता के साथ लीड रोल में सैफ अली खान नजर आने वाले हैं। और विक्रम वेधा की शूटिंग खत्म करने के बाद ऋतिक रोशन ने दीपिका पादुकोण के साथ आने वाली फिल्म फाइटर की तैयारियां शुरू कर दी है। फिल्म में दोनों की जोड़ी पहली बार ऑन स्क्रीन पर धमाल मचाती हुई दिखाई देगी और सिद्धार्थ आनंद की फाइटर का प्री प्रोडक्शन जोरों पर चल रहा है। बताया जा रहा है कि ऋतिक रोशन इस समय आराम करने के मूड में बिल्कुल नहीं है और उन्होंने ऑलरेडी फाइटर पर काम करना शुरू कर दिया है। ऋतिक इस फिल्म में एक्शन मोड में नजर आएंगे और इसके लिए अभिनेता ने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी। और बता दें कि कैरेक्टर में खुद को फिट साबित करने के लिए ऋतिक रोशन ने अपनी बॉडी पर पूरी तरह से वर्क करना शुरू कर दिया है। जुलाई के महीना आते ही ये ऑफिशियली अपनी तैयारी शुरू कर देंगे जबकि राइटिंग टीम फिल्म के फिनिशिंग टच पर काम कर रही है। लेकिन अब बात आती है कि हमने आपसे मार्शल आर्ट्स की बात आखिर क्यों की, तो बता दें कि मसल्स को कम करने के अलावा ऋतिक रोशन को मार्शल आर्ट के कई फॉर्म्स की ट्रेनिंग भी लेनी है जिसमें कई तरह के फॉर्म्स आते हैं जैसे कि प्रहार। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये प्रहार का ऐसा कौन सा टाइप है। तो मई मुक्केबाजी, बॉक्सिंग पश्चिमी, विंगू चून, पाद प्रहार में कोपेरा, किबोर किक्स, द वेट, टाइकोडो और अन्य प्रहार में कोहनी और घुटने, मुई थाई और मृत हाथ, कराटे, शाओलिन, कुंफू शामिल है। कुश्ती में थ्रोइंग में गिल्मा, जूडो, जुजुत्सु, सम्बो और वहीं जॉइंट लॉक या सबमिशन में होल्ड, एकेडो, ब्राजील की जियोजुत्सु, हपी किडो। वहीं पिनिंग टेक्निक में जूडो कुश्ती शामिल है और हथियार पारंपरिक में हथियार में तलवारबाजी, गटका, केंडो, कुडो और एस्करीमा में शामिल है और आधुनिक में हथियार, जुकेंडो, वुशु और शाओलिन। बता दें कि कई मार्शल आर्ट्स विशेषताएं एशिया से आने वाली कलाएं लड़ाई के अलावा औषधीय पद्धतियों से संबंधित शिक्षा भी प्रदान करती है। ये मुख्य तौर पर पारंपरिक चौनी मार्शल आर्ट्स में प्रचलित है जिसमें अस्थि बिठाना, किंगकोंग, एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर, तुइना और पारंपरिक चीनी दवाइयों के अन्य पहलू भी सिखाए जा सकते हैं जो हर फाइटर को आना जरूरी है। इसलिए फिल्म के लिए एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी करंट प्रोजेक्ट्स पर काम करना खत्म करने के बाद अगले महीने ऋतिक रोशन को ज्वाइन करेंगे। वही फाइटर को भारत की पहली एरियल फंक्शन हिंदी फिल्म है फिल्म बनाया जा रहा है और बैंग बैंग और बोर के साथ ऋतिक रोशन और सिद्धार्थ आनंद की ये तीसरी फिल्म है। फिल्म अगले साल अक्टूबर में रिलीज होगी, तो आपको फिल्म का कितना इंतजार है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बने कैट स्टूडियोज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और नए कंटेंट के साथ, तब तक खुश रहे, सही रहे, बने रहे मेरे साथ।